क्वेश्चन है इंट्राडे के लिए, तो मैं अभी ये करंट टाइम पे बाय कर सकता हूँ क्या मैं गोल्ड? अच्छा, करेंट टाइम पे आप गोल्ड बाय कर सकते हैं क्या? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। भाविक पटेल जी बताइए सर, ताजा भाव पर गोल्ड खरीदना ठीक रहेगा क्या? ताजा भाव है 49,972 रुपए का, क्या इस भाव पर गोल्ड खरीदना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, देखिए मुझे लग रहा है कि ये भाव पे तो अभी नहीं खरीदना चाहिए। आई थिंक मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा कि नीचे अगर 49,800 से 49,700 के करीब आए, और दूसरा मैं एक ऑप्शन दूसरा भी दूंगा कि 50,500 का जो कॉल है 27 जुलाई का, उसमें ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर हम देखें कल से दो दिन से तो काफी वॉलेटिलिटी है, काफी फ्यूचर के प्राइसेस में उथल पुथल है, और जिस हिसाब से गोल्ड चाह रहा है तो 100 रुपीज का स्टॉप लॉस बहुत कम लगेगा, पर एटलीस्ट ऑप्शन में वॉलेटिलिटी कम रहेगी। तो गोल्ड 27 जुलाई का जो 50,500 का कॉल है जो अभी चल रहा है 140, आई थिंक वो 100 के करीब आता है, तो एक बार बाय कर सकते हैं 180 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 60 या 50 रुपीज का। इसकी वजह से सिर्फ 50 रुपीज का ही स्टॉप लॉस रहेगा, जो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। आकाश जी जी नमस्कार, मैंने सिल्वर सेल किया हूँ 500 पर दिन में, क्या करूँ, होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? किस भाव पर लिया है सर आपने? मैंने सेल किया 500 पर दिन में। ओहो, आपने सेल कर दिया, अच्छा बताइए भाभी जी क्या किया जाए? देखिए जैसे सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि आई थिंक ये सिल्वर शॉर्ट मार्केट तो है ही नहीं। कल भी अगर देखा था जो 7:30 बजे जब यूएस मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद की रैली, और आज भी अगर देखें तो जैसे ही यूएस मार्केट ओपन हुआ तो 60,000 से सीधा 62,200 तक रैली आ चुकी है, और मुझे लग रहा है कि आज भी आई थिंक रैली सस्टेन ही होगी, तो एक बार निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चांदी काफी वॉलेटाइल, एक बार चलना शुरू हो जाती है तो वो रुकती नहीं है, सारे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है, तो बेहतर है कि वो निकल जाइए, शॉर्ट में ना खड़े रहे।